इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है गुमराह करने का अंजाम। इरशाद एक अल्लाह रसूल और उसकी किताब बेवकात करने और लोगों को गुमराह करने की जो तदबीरें ये लोग कर रहे हैं, उससे पहले भी दूसरी कौमें अपने पैगंबरों के मुकाबले में इस तरह की तदबीरें कर चुकी हैं। उन्होंने मकरुब फरेब के ऊंचे महल खड़े किए, मगर अल्लाह ने उनके महल ढा दिए, नेस्त नाबूद कर दिया, और वह ऐसे नाकाम हुए कि उनके तैयार किए हुए महल उन्हीं पर गिरे, जिनकी छतों के नीचे सब दब कर रह गए, हलाक हो गए। मतलब है कि जो तदबीरें उन्होंने अपने मुकाबिल के लिए तैयार की थी वो उन्हीं पर उल्टी आ पड़ी और उन सबको हलाक कर डाला। 15,000 हाथ ऊंची इमारत। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि यह आयत नमरूद बिन कनान के बारे में है, जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के मुतालिक मुनाजरा किया था, मुकाबला किया था, और आसमान की तरफ चढ़ने के लिए शहर बाबुल में एक बहुत ऊंची इमारत बनवाई। उसकी बुलंदी 15,000 हाथ थी। जब ये इमारत बन चुकी तो अल्लाह ने एक तेज़ आंधी चलाई, जिससे वो इमारत गिरकर समंदर में जा पड़ी, और उसका कुछ हिस्सा उन लोगों पर भी गिरा जिससे वो हलाक हो गए। ये सज़ा तो उन काफिरीन मुश्रिकीन को दुनिया में दी गई, उसके अलावा असल सज़ा उनको आखिरत में दी जाएगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको रुस्वा जलील करेगा और उनसे फरमाएगा, तुम्हारे वो माबूद कहाँ हैं जिनकी हिमायत में तुम मेरे पैगंबरों और मोमिनीन से झगड़ते थे? ये शर्मिंदगी के पुतला बने खड़े होंगे और कुछ जवाब नहीं दूंगे क़यामत के दिन। आखिर अम्बिया हक दूसरे जानने वाले उन सरकशों को सुना कर कहेंगे, जो कुछ हम दुनिया में कहा करते थे उसका हक होना आज तुमने अपनी आँखों से देख लिया, बस आज पूरी रुसवाई और अजाब तुम्हारे लिए है। अगली आयत में फरमाया, इन आयत में काफिरीन मुश्रिकीन की उस वक्त की हालत का बयान है जब फरिश्ते उनकी जान निकालने आएंगे, उस वक्त ये खुदा को मानने का इकरार करेंगे और कहेंगे खुदा की मुकद्दस